अज असी करांगे अटेंडेंस शीट। सब तो पहला असी पेज लैंडस्केप कर लिया और टाइप करांगे अटेंडेंस शीट। और ये साड़ा व्यू हैगा पेज लेआउट और उसनु फॉर्मेट कर लिया। कॉलम दा विथ साइज इनक्रीज करता, टाइप किया डेट और उसके सामने टाइप करांगे डेट। जिस तरह आप डेट टाइप करना चाहते हैं 1/3/2022 और टाइप करने तो बाद ऑटोमैटिक ड्रैग करांगे 31 मार्च तक। और जो असी ड्रैग करते हैं और देखते हैं सानू डाटा ड्रैग करने तो बाद इस तरह डिस्प्ले होंदा, इहदा मतलब होंदा भी कॉलम नू प्रॉपर विड्थ नहीं मिली। और असी इहदा डेट फॉर्मेट तो स्टाइल चेंज कर देंगे, यानी कि मिनिमम डेट जो शो होंगी वह ले लेंगे तो सानू डाटा डिस्प्ले होगा। इस तो बाद टाइप करांगे स्टूडेंट्स नेम। और फिलहाल असी एग्जाम्पल तो सीधा इसे कॉपी कर लिया, लेकिन जो अटेंडेंस शीट आप बनावांगे बखरे बखरे स्टूडेंट्स नेम लवेंगे। उस तो बाद असी देखांगे साड़ी जो अटेंडेंस डेट आ, असी पी तो टाइप करते हैं बट सानू पी नू कॉलम की भी थिन्नी नहीं चाहिए। असी अपनी डेट नू सिलेक्ट करके ऑटो फिट कॉलम विथ करांगे, क्योंकि उस दे नाल सानू सिर्फ पी ही और ए ही लैटर टाइप करन नू स्पेस चाहिए है। और सानू सिर्फ यह दो ही पेज कढ़ने, पी टाइप करके खिंचे और ड्रैग करता पूरी शीट ते, शीट मीनस 31 मार्च तक। ड्रैग करन तो बाद असी हुण संडे जो ऑफ साडे है उहनां नू निकालांगे संडे दी। जिस तरह पहला 6 नू उसनू मर्ज किया कॉलम नू, 6 डेट नू संडे आ रहा और उहदे विच आपां टाइप करांगे संडे। दैन टाइप करन तो बाद सिलेक्ट करके उसका अलाइनमेंट करांगे, अलाइनमेंट ए वी जिस तो वर्टिकल आपां करांगे। और दैन सिलेक्ट करके साइज इनक्रीज, फिर उस तो बाद असी इस कॉलम नू सिलेक्ट करांगे कॉपी। कॉपी करन तो बाद जिन्हें अगली साड़ी शीट से संडे आ रही उत्थे असी पेस्ट करांगे। जिस तरह पहला 6 नू फिर 13 नू पेस्ट करता, फिर उस तो बाद 20 नू पेस्ट करता, फिर उस तो बाद 27। इस तरह से संडे दो शीटा च कर लिया, दो शीटा दे विच असी अटेंडेंस शीट तैयार कर ली आ। उस तो बाद असी एबसेंट कोई भी स्टूडेंट किस डेट नू एबसेंट है टाइप करांगे और टाइप करन तो बाद सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल प्रेस करके अगला डाटा सिलेक्ट कर लिया। फिर कंट्रोल प्रेस साडा रहना ही चाहिए तो 3 असी एक शीट चो वक्री वक्री पोजिशन से सिलेक्ट करन तो बाद कंडीशन फॉर्मेट पर जाके इसनू इक्वल इक्वल तो आप टाइप करांगे ए और साडे एबसेंट हाईलाइट होंगे। उस तो बाद असी इस नू सारे नू सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। इस तरह दूसरे साड़ी शीट नू भी सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर देवांगे। उस तो बाद प्रिंट प्रीव्यू ते जाके देखांगे डाटा साडा किस तरह डिस्प्ले हुंदा है। थैंक फॉर वॉचिंग।